सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दिस इज सैटर्न कैपिटल हियर। तो चलिए, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कल के लिए कौन से बेहतर स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, और कल हमने जो स्टॉक्स एनालिसिस किया था अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसमें से किस स्टॉक्स ने क्या कैसा परफॉर्मेंस किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मोटो है आपको मार्केट में इंडिपेंडेंट बनाना और सिखाना। सो चलिए आ जाते हैं हम अपने ट्रेडिंग जर्नल पे, और यहाँ पे आज हम आपको बता दें कौन कौन से पोजीशन आज हमने क्लोज किए। आज हमने ऑलमोस्ट कमिंस इंडिया को हमने क्लोज किया। कल भी हमने आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि 2980 कल गया था, तो हमने डिस्कस किया था 2988 के ऊपर जाएगा तो हम क्लोज करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3,100 पे हमने क्लोज किया और 11,700 का प्रॉफिट हमने यहाँ बुक किया। हमने एबीबी में भी आज पोजीशन क्लोज किया। ग्रुप में भी हमने मैसेज आपको डाला था कि एबीबी में पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, तो 9,700 का यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ। एंड ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो में हमने ऑलरेडी पोजीशन क्लोज कर रखा है। सो ये रहा हमारा ग्रुप। अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे शेयर किया कि यू कैन मेक पोजिशन इन टाइटन विथ 3650 की टाइटन में आप पोजिशन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्रुप में आपको डिस्कस किया, तो आप इसके हिसाब से टाइटन पोजीशन बना सकते हैं। 122 में हमने शेयर किया। ऑलरेडी लोग हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके पोजीशन बना चुके हैं, हमारे देने से पहले ही लोगों ने पोजीशन यहाँ बना रखा है। तो इस हिसाब से आपको इस ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टाइटन में हमने पोजीशन बनाया 133 में, हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था लगभग 579 का चल रहा था। उसके बाद टाइटन में लोगों ने प्रॉफिट बनाया 470। उसके बाद फिर हमने आपसे सिप्लस शेयर किया। देखिए, ये जब स्टॉक्स में शेयर करता हूँ और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शेयर करता हूँ, इट मींस बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि हम समझ नहीं पाते कि ग्रुप में आता है तो हमें बाई करना है कि क्या करना है। देखिए, ये जो चार्ट आता है ना, इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखो, हमने टारगेट रखा है 1500, हमने एसएल रखा है 1450, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और ये चार्ट जो है आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये 30 मिनट्स का है, यानी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रेटजी मैच हो गया। तो ये 1500 का हमारा टारगेट होगा और 1440 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आपको इसमें पोजीशन बना लेना है, मार्केट प्राइस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये मतलब है, चार्ट में इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस है। मैं चाहता तो सिंपल लिख दे सकता था कि बाई सिप्लस दिस दिस दिस, बट हमारा मोटो यहाँ आपको कॉल देने का नहीं है, हमारा मोटो यहाँ आपको एजुकेट करने का है, ताकि चार्ट देख के आपको चीजें समझ में आए कि अच्छा, ये स्ट्रेटजी मैच हुआ 20 मूविंग एवरेज ऊपर। आप यहाँ देखो, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉक से RSI 20 से 80 की तरफ, और RSI 50 से ऊपर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मैच है, और डे और वन आवर के बेसिस हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ था। तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लगभग ये रखते हैं 1450 या 1440 का, और हमारा टारगेट 1500 का है। तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी मैच हुई, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया, और आपको उस तरीके से पोजीशन बनाना है। तो ये चार्ट शेयर करने का मतलब यही है कि हम पोजीशन बनाना है। और यहाँ पे देखा है, यहाँ पे मैंने कहा वेट फॉर आवर स्ट्रैटेजी टू मैच इन हीरो मोटोकॉर्प, यानी हीरो मोटोकॉर्प हमने तब तक पोजीशन नहीं बनाया था, हमें इंतजार करना था कि हमारी स्ट्रैटेजी पे मैच होती। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, 20 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए, 50 नीचे होना चाहिए, 20 से 80 की तरफ स्टॉक की RSI जो कि नहीं था, और 50 को क्रॉस करता हुआ RSI जो कि नहीं था। जब हुआ तब हमने अपने एक पोजीशन भी बनाया यहाँ पे। तो उस हिसाब से आपको इंतजार करना है, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पोजीशन बनाना है। तो ये ध्यान रखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने टाइटन में हमने आपको शेयर किया 122 में, और टाइटन ने 122 में काफी अच्छा हमें मोमेंटम दिया, और हमने ऑलमोस्ट 3000 रुपीज टाइटन में इन ए सिंगल डे ऑलमोस्ट 3000 रुपीज का हमने प्रॉफिट यहाँ बुक किया। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो काफी मिनिमल था, 3650 का था, यानी 77 रुपए का ही स्टॉप लॉस हम लेके चले हुए थे, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। और लोगों ने आज ही पोजीशन बनाया और आज ही इस पोजीशन को क्लोज भी किया टाइटन में। तो देखिए, 3714 में डिलीवरी में लिया, और डिलीवरी में ही हमें उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ गया, तो डिलीवरी में उन्होंने प्रॉफिट को क्लोज भी कर दिया। तो यही करना है आपको, अगर आपको लगता है कि 1286 रुपये आपके लिए सफिशियंट है तो आप क्लोज कर दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं आप और ट्रेल कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। मोटो है आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया और शेयर किया। तो अगर आप तक कभी तक ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, उसमें से आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारे पोजीशन है जो कि अभी तक ओपन है हमारे, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट, टाइटन और सिप्ला। टाइटन ऑलमोस्ट हम कल क्लोज कर देंगे, 3804 का हमारा पहला टारगेट है, तो 3804 आता है, 3811 जाता है, तो हम यहाँ पे पोजीशन क्लोज भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट कल ओपन होते ही यहाँ पे भगेगा टाइटन, तो हम यहाँ पोजीशन क्लोज करेंगे।
और आप चार्ट पे भी देख सकते हैं टाइटन। अगर चार्ट पे आप देखो तो टाइटन देखो, अगर हम डेविसिस पे जाएं तो टाइटन किस हिसाब से, आप अगर डेविसिस पे जाएंगे तो देखिए 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, स्टॉक इज ऐसे 20 से 80 की तरफ 50 को क्रॉस करता हुआ आ रहा है। बस सिंपल है, यही तीन चीज फॉलो करना है दो टाइम फ्रेम में और आप इसमें पोजीशन बना लेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प में कहाँ गलती अभी तक कहाँ हुई है आप वो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ कहीं हमारी स्ट्रैटेजी मैच हुई थी। तो ये देखो ये स्ट्रैटेजी मैच हुई थी, 50 से ऊपर था आर स्टॉक RSI और हमने यहाँ कहीं बोला था आपको पोजीशन बनाने के लिए और ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ले रहा था, बट यहाँ पे ये सस्टेन नहीं किया, ये नीचे आया और ये वाला जो सुपर ट्रेंड का है ये इन्होंने तोड़ा है। सो होप हम आशा करते हैं कि 4440 से पहले ये एक रिवर्स आए। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर हम 4 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे आए तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो स्टॉक ऐसे 80 से ऊपर था, तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी चाहिए थी, बट मुझे जो लगता है यहाँ से सपोर्ट लेके उठना चाहिए। अगर नहीं उठता है कोई बात नहीं, हम अगली बार से ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि अगर हम टाइम फ्रेम में बना भी रहे हैं, अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बना रहे हैं तो पहले आपको ये चेक करना है कि 3 आवर्स और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये सही है या नहीं है, डे के टाइम फ्रेम में सही है या नहीं है। तो डे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डे के टाइम फ्रेम में काफ़ी सही था और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है 4440 के करीब हमने स्टॉप लॉस रखा है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार उठे 4520 से ऊपर उठेगा और हमें 4842 के टारगेट देगा, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। तो नो डाउट सो स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए, स्टॉप लॉस नहीं डाउन करना है, जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया उस स्टॉप लॉस पे हम लेके देखेंगे कि कहाँ तक हम हीरो मोटोकॉर्प में सस्टेन कर पाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए कौन सा बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें हम पोजिशन बना सकते हैं। सो कल के लिए जो स्टॉक्स निकल के आता है वो है टाटा कैम, टाटा केमिकल। सो देखते हैं टाटा केमिकल मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखते हैं कि टाटा कैम क्या वाकई में कल के लिए बेहतरीन स्टॉक्स है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो जो हमारा पहला स्ट्रैटेजी है 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, 20 से 80 की तरफ स्टॉक इज सही और 50 को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, ये तीनों मैच हो रहा है। सो ठीक है पहला टाइम फ्रेम ठीक, दूसरा टाइम फ्रेम में आ जाओ डे के टाइम फ्रेम में। सो डे के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं और यहाँ देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे और ये 12 है, 12 से 20 20 से 80 की तरफ जाता है स्टॉक ऐसा, उसमें टोटल मोमेंटम बाकी है 90% का मोमेंटम बाकी है और जस्ट 50 को क्रॉस किया हुआ है 55। तो तीनों कंडीशन मैच है तो हम एक पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन कब बनानी है आपको, अब यहाँ पे अगर मंथली मंथ के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो मंथ के टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे और 20 से 80 की तरफ स्टॉक RSI और 50 से ऊपर RSI। तो अगर आप मंथली बेसिस पे इस स्टॉक को रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हैं, आपका व्यू अगर मंथ का है तो आप मंथ भी इसको ट्रेल कर सकते हैं। सो मंथली भी टाटा केमिकल इज बेस्ट बेस्ट बाई है और यहाँ देखो वॉल्यूम भी इस मंथ काफी अच्छा आया हुआ है वॉल्यूम, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए जाना है या स्विंग के लिए जाना है। ठीक है अब हम डिसाइड करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें पोजिशन बनाना है। सो आप देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ऑलरेडी नीचे आ रहा है तो इंतजार करो, ये 50 के नीचे है तो जैसे ही 50 को ऊपर आता है और ये 20 से ऊपर जाता है और यहाँ पे कुछ सस्टेन होता है, सस्टेन होना चाहिए इस मूविंग एवरेज पे, तो 1110 है तो आपका पोजीशन जो बनेगा 1098 के अराउंड या फिर उससे नीचे भी बन सकता है, तो आपको इंतजार करना है और यहाँ पे 50% कैपिटल डिप्लॉय करना है आपको, पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है और रिमेनिंग 50% आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1086 आप देखो 1086 पे हमें पोजीशन बनाएंगे और इंतजार करना है आपको नीचे से ऊपर 20 से 80 की तरफ जाता हुआ और ये RSI ऊपर की जाता और यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक या दो ग्रीन कैंडल बने, तो बिल्कुल परेशान मत होना, 110 के बजाय आप 120 में भी पकड़ोगे तो बिल्कुल परेशान मत होना क्योंकि हमारे पास 1160 तक का मोमेंटम पड़ा हुआ है। तो इट डजेंट मैटर, हमारा मैटर ये करता है स्ट्रैटेजी मैच होनी चाहिए। ठीक है सो उस हिसाब से आप पोजीशन बनाइए। अब हम इसका टारगेट अगर देख लें तो टारगेट क्या है एंड डे बेसिस से अगर हम टारगेट देखते हैं तो डे बेसिस के हिसाब से हमारा जो टारगेट है तो
1200 और इसका जो प्रीवियस हाई है लगभग 1300 रुपये का ये हाई बनेगा आने वाले एक आध हफ्तों में। चार घंटे के बेसिस पे हम देखते हैं तो भी पहला टारगेट 1205, दूसरा टारगेट 1273 और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम तो आपको जो पोजीशन बनाना है वो 1080 से लेकर 1090 के बीच में आपको पोजीशन बनाना है। तो आइए हम इसको अपने चैनल में मैनेज मेंटेन कर लेते हैं। सेम चीज आपको भी मेंटेन करना है। टाटा कैम व्यू क्या होगा हमारा डे का, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो डे बेसिस पे आ जाइए और इन तीन कैंडल का लो, इन तीन कैंडल का लो जो भी होगा या फिर ये 50 मूविंग एवरेज का जो लो होगा, सो मैं 50 मूविंग एवरेज का अगर लो लूँ तो 1052 है, यहाँ देखो 1052 है बट हम 1040 पे जाएंगे, 10 पॉइंट मैं नीचे रख रहा हूँ मूविंग एवरेज से। तो हमारा स्टॉप लॉस 1040, हमारा एंट्री 1086 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा 46 का हमारा हो गया स्टॉप लॉस, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी बनाते हैं 150 120 क्वांटिटी हमारी बनेगी, जहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा 5,5520 होगा, 4.2% का रिस्क है कैपिटल का, 1132 जाता है तो हमारा 5,5500 का प्रॉफिट, 1178 जाता है तो 11,000 का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आपको पोजीशन बनाना है। अब देखिए आप अगर नए हैं सटन कैपिटल के साथ तो आप 10,000 का एक प्रोसेस लेके चलो, जहाँ पे आपको मैक्सिमम आपका जो रिस्क होगा 1,000 का होगा और पर स्टॉक रिस्क आपका 100 रुपये का होगा। सो ये स्ट्रैटेजी लेके चलो। अब यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं और 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, 2 से क्वांटिटी रखिए, ये स्टॉप लॉस रखिए और देखिए ये टारगेट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100 रुपये बनाना सीखिए पहले और अगर जाएगा तो 92 रुपीज़ आएगा तो 92 रुपीज़ और 184 रुपीज़ भी आएगा। तो इस हिसाब से 10,000 रुपये से कॉन्फिडेंस लेके आइए। उसके बाद 50,000 का एक प्रोसेस होगा आपका, जब तक 10,000 से आप मंथली 3% ना बना लें तब तक आपको 50,000 के प्रोसेस पर नहीं जाना है। तो आपका ये टारगेट होगा कि मंथली आपको 10,000 से 3% का रिटर्न यानी 300 रुपया हर महीने बनाना है उस 10,000 रुपये से। जैसे ही आप बनाना शुरू कर दें, लगातार 3 महीने अगर आप बनाना शुरू कर दें तो आप 50,000 के प्रोसेस पे आइए और 50,000 के प्रोसेस पे आपका रिस्क होगा 500 रुपये का, यहाँ पे कैपिटल 500 रुपये का होगा, जहाँ पे अगर 500 रुपये का है तो आपके पास यहाँ 10 स्टॉक होगा, जहाँ पे आपका कैपिटल 10,860 लगेगा और यहाँ से अगर 50,000 का 3% आप मंथली बनाना स्टार्ट कर देते हैं यानी 1500 रुपया मंथली बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा, 500 रुपया आप होना भी सीख जाएंगे कि कैसे लॉस रिकवर होता है। उसके बाद आप 1,00,000 के प्रोसेस पे आएंगे जहाँ पे आपका 1,000 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, 1,000 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो उस हिसाब से धीरे धीरे आप लेके आइए। अगर आप मार्केट में नए हैं सैटर्न कैपिटल के साथ नए हैं तो तुरंत आपको 1,00,000 या 2,00,000 कैपिटल से नहीं घुसना है, 10,000 से कॉन्फिडेंस लेके आइए। 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 3% मंथली बनाने के बाद आप 50,000 से आइए, 500 का मैक्सिमम रिस्क लीजिए और उससे आप 3% बनाना शुरू कीजिए, फिर 1,00,000 से आइए, फिर 1,00,000 से 3% आप मंथली बनाना शुरू कीजिए। कंजर्केटिव 3 मंथ आप बना पा रहे हैं तो आप लेवल अपना बढ़ाते जाइए, तो इस हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सो फुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में एलोब्रेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ आपको ये 10,000, 50,000 और 1,00,000 का प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, तो वी विल मेक इट आउट, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हमारा जो स्टॉक्स एनालिसिस है वो कल कैसा परफॉर्म करता है और बिल्कुल आपको जो पोजिशन बनाने हैं वो बनाना है 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विद सैटर्न कैपिटल।